किसान कृषि योजना डिजिटल सोलर इंडिया युवाओं के लिए लाया है रोजगार का सुनहरा मौका। कंपनी को पूरे यूपी जिले से लेकर न्याय पंचायत में जुझारू और मेहनती युवाओं की जरूरत है, तो देर किस बात की। आपके ख्वाब पूरा होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पता है केडी इंटरप्राइजेज, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। हमारा मोबाइल नंबर है 7881109261 और 7991579262। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में भदैया के किसान ढाबा के पास स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना फुर्सतगंज के ग्राम ब्रह्मनी, पूरे लक्ष्मण कपूरवा और महारानिया में आकस्मिक दबिश दी। इस दौरान 35 लीटर वैध कच्ची शराब बरामद की गई। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलाबतगढ़ में एक शख्स ने फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि बैंक सिविल निकालने पर उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई है। अमेठी में थाना मोहनगंज के शंकरगंज चौकी क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने आरिफ नाम के शख्स को घेर लिया। आरोप है कि इन सभी ने आरिफ को जान से मारने की धमकी भी दी है। रायबरेली में गदागंज थाना इलाके के पास कांस्टेबल महेश यादव को नीलगाय ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। जौनपुर में स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई थी, जिसमें एक युवक फर्जी दरोगा बनकर बैठा हुआ था। जौनपुर में मुंगराबाद शाहपुर थाने की पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। लखीमपुर में थाना पसगमा पुलिस ने मिथिलेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मकसूदपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर में थाना पसगमा पुलिस ने 3 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम धर्मपाल, राजा और अनुज बताए जा रहे हैं। लखीमपुर के निघासन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सभी अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। लखीमपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में व्यक्ति ने फांसी लगा ली। मामला रेखा निदान अस्पताल का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर पहले स्टूडेंट का बलात्कार किया और स्टूडेंट की शादी तय हो जाने पर उसके मंगेतर को अश्लील फोटोज भेजकर शादी तुड़वा दी। श्रावस्ती में सीएमओ पर घूस लेने का आरोप लगा है, वहीं सीएमओ ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।